खैर कोई आज नहीं रहा लेकिन बाहर आज तो कोई हमारे पास ज्यादा स्टफ भी नहीं है तो बताने के लिए ठीक है ना एन जी उन जी नो you know, खाना पूरी कर के थोड़ा सा कह दें कोर्स एज यू कैन सी टू हंड्रेड एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं Uh, मैं आपको ये बताती चलो ये टू नहीं था ये फाइव था तो मुझे टू कहीं से मिल नहीं रहा था तो कहा उल्टा करके जरा फूक मार के देना मुझे कि इसके अंदर से ये टू लगता है कि नहीं कहते बाजी लगते जाएगा फिर उससे उसके अंदर फूक भरी और फिर मुझे इसे दिखाया

वो तो पार्ट ए बी की वजह से वरना तो गिन के देखे ना आप दो से ऊपर है जी जी बिल्कुल तो तो एक तो ये वो है है जो बहुत पहले से क्रॉस हो चुका अचीव हो चुका है दूसरा ये है कि ये इधर मैं क्लैपू करना चाहूंगा कि हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है ये जो हमने इतने एपिसोड कर लिए हैं हाँ। इसमें सिर्फ पेट्रंस का कमाल है आपका कमाल है आप देख आप लव हैं ठीक है आप अभी भी देखना चाह रहे हैं आपको अगर आपके माँ बाप कुत्ता समझते हैं तो आप नहीं अपने आप को ये सब कि हम आपको नहीं समझते हम आपको बिलाव समझते हैं और जानवर समझते हैं लेकिन थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग आज फॉर सो लॉन्ग हमने वैसे 50 का टारगेट रखा था व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद हिम ही सेड के माहो पचास के बाद हम नहीं करेंगे फिर हम 100 पे गए बड़े लोगों ने हमसे डिमांड भी की थी कि अब बस करते हो

मेरा मेरा दिल मेरी जान मेरा सब कुछ सिर्फ पेटर्न के लिए तो ये है। हम तब तक हाँ। करेंगे जब तक पेटर्न जाएंगे हाँ। और दूसरी चीज ये है कि मैं इस्लामाबाद एक शादी पे गया था अच्छा और शादी पे बेताशा झुकते पड़ी मुझे किस बात उसकी वजह कि सारों ने वैसे तो बहुत वार्म वेलकम मेरा किया अच्छा लेकिन सारे ना खून की नजर निकाहों से देखते खून उतरा सबको था कि मैं नून ली मिशन अकम्पलिस्ड आई ऑलवेज वांटेड कि मेरा साया इसके ऊपर पड़े तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाए मैं तो जैसे पहले दिन जब मैं मेहंदी पे एंटर हुआ हूँ ना तो दुल्हा के वालिद साहब ने कहा वो आ गया नून लीग एडवाइजर <laughs> ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਨਾ ਗਾਇਸ ਵਲੀਮ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਦੁਲਹੇ ਕੇ मामू ਆਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਐਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ एक तो हर बंदे ने मुझे उधर मैंने तो कभी नून लिया नहीं तू मेरे नाल बैठना है एन हाँ, ही काफी है मेरे साथ के सारे दोस्त अगर कभी एंटी पीटीआई बात कर ले तो वो डिक्लेयर हो जाते हैं हाँ, ये कि ये नून ली हैं एंड नाउ आई थिंक आई ऑफिशियली डिक्लेयर माई सेल्फ एज इन्फ्लुएंसर क्योंकि मैंने तुम्हें भी बर्बाद कर दी yeah. है ठीक है नून लिखिया बना के बट एनी वे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस और हमारा Uh, उस पे वैसे जो सॉरी दुल्हे का भाई आया था ना उसने मेरे से किलाइडर सेशन किया अच्छा। उसने कहा यार वो अमेरिका होता है ना उसने कहा यार आई हैव नोटिस दिस स्ट्रेंज थिंग कि अब जो इंट्रोडक्शन होता है ना हाँ। वो होते ही है कि ये फलाने हैं और ये फलाने पार्टी के हैं <laughs> <laughs> कहते क्या हुआ है पाकिस्तान में <laughs> <laughs> <पुल गाएसे, laughs> इमरान खान हुआ है बस, ले पीछे रहा था आपने गौड़िया नहीं देखी जिसके पीछे लिखा हुआ है नॉट अब हम नीचे नहीं गिरेंगे और ये फलाना गाना अभी मेरे सामने है मैं कह तारे तक बयान या नहीं पहुंचा लेकर तो ना कुछ बदल गया इमरान खान तो बिल्कुल ही गिव अप कर गए बट Uh, खैर uh, नहीं ये नून नहीं, नहीं है मैं हूँ और मैं इसको छुपाती भी नहीं ये बड़ी कोशिश करता है बट मैं हूँ तो इसको माफ कर दे बेचारे को ठीक है आकर देखा उसका हशर हुआ वह बिल्कुल हूं ना जाए किधरे हूँ मैंने पता लगे ना मैं तेरा कैंसिल करांगी मैं भाग हाँ। करके बाहर आके बैठ जाऊंगी कि अली तू नहीं, नहीं जाएगा ठीक है टू okay, इंट्रो वेलकम बैक तो आ, इस वक्त मुल्क में आई थिंक मेरी पैदाइश के बाद अगर बहुत ही सनसनी खेज हालात हुए हैं तलीम मची हुई है तो वो इस टाइम पर है इस ईयर में है एज द न्यू आर्मी चीफ़ इज़ बी अपॉइंटेड ठीक है जी ए पहली दफ़ा हुआ है, जहाँ तक मेरी महनी है मेरी मह भी बहुत बुरी है पहले दफ़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि स्पेशल एर, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मीटिंग हैज़ स्टार्टड जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो डिसाइड होने लगे हैं ए तीन बंदे बैठे हुए हैं डिफेंस मिनिस्टर वो दो बाकी नाम भी नहीं मुझे याद रहे ठीक है और मतलब दो हफ्ते पहले से शुरू हुए हैं लिस्टें आ रही हैं लिस्टें जा रही हैं हम करेंगे प्रोसेस शुरू हो रहा है और आज उन्होंने कहा कि आज हमने अनाउंस भी कर देना फिर से रात बारह बजे क्यों ना होने के वो अनाउंस भी होना है ऐसा ही एक्साइटमेंट मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे अभी कौन आ रहा है नहीं सब बुनियादी बात यह है कि शायद नंबर ऑफ चैनल्स थोड़े से ज्यादा हो गए हैं हाँ। शायद ट्विटर पे लोगों का इजाफा हो गया है जाहिर है वक्त के साथ साथ बट एक्साइटमेंट जो है ना वो तो इतनी होती है मतलब राहील शरीफ साहब की दफ़ा भी इतनी एक्साइटमेंट थी वो जब जनरल हारून असलम और जनरल खान और वो सारे जब कम्पीट कर रहे थे क्यो? और उस क्या? नहीं अच्छा सब मस्ता ये है कि इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा ट्विटर पर अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं ना कि क्या है मतलब क्यों सारे इंटरेस्टेड है और मतलब हाँ। क्या फर्क पड़ता है और वो। तो नहीं उसमें ये है कि फर्क तो मतलब इसमें नहीं पड़ता कि कौन लेकिन ये इवेंट तो बड़ा है ना इवेंट नहीं फर्क वो तो जो भी आ जाए का लेकिन हाँ। इवेंट तो बड़ा है ना मतलब ये तो वैसे, ये वैसे है कि आपको यार बसंत तो हो रही है पर तू नहीं बनानी लाइक मुझे नहीं समझ में आ रही इस टाइम पे और भी बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी में मतलब और ये जब पिछली दफा जब ये बाजवा साहब जब अपॉइंट हुए थे तब भी तुम्हें नहीं आज इसी तरह खबरें आती थी कि

लेकिन हम हाँ। कंडेम करते हैं साफी वही बात है जुर्म नहीं है और अच्छा अब मैं ना उनकी तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा लेकिन मैं वैसे एक ना देना चाहता हूँ एक पब्लिक सर्विस मैसेज आपके तवसत से नहीं मेरे नहीं <laughs> मैं जब <जो> माफ <माँग> करता <laughs> हूँ ये जो बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो आजकल काफी जो है ना वो मतलब और आजकल क्या हमेशा से वो बड़ी डिटेल देते है वैसे हम भी कई दबे लगाते हैं

अच्छा फिर भी बात है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोल रहे होते हैं मतलब यहाँ तक कि अगर वो कोई बात गलत भी करते हैं ना तो वो अपने पास से नहीं करते और वैसे भी मतलब अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक है क्योंकि वो तो ना कि आप अपना एक, एक अपनी कहानी बना रहे हो तो कहानी दुनिया में गेम ही सिर्फ एक है और वो है कहानी बनाना ठीक है तो उससे चीज कोई चीज़ नहीं है लेकिन वो मेरा ये ख्याल है कि जब वो गलत भी कहते हैं तो उनका सोर्स ने उनको गलत बताया होता है ठीक है अब वो चाहे सोर्स ये चाह रहा है कि ये बात इस तरह से आगे जाए अच्छा अब मसला फिर वो ये कि इतनी जो डिटेल्ड वो है ना कि इसने ये कहा और उसने उसने ये ये कहा कहा इस तरह की चीजें कौन बताता है लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी आ, मतलब और अगर एक दफा आपकी दोस्ती हो गई ना या कि आपने खबरें लेनी शुरू कर दी है तो फिर ना फिर आप बस वो लेते रहिए फिर आप डाउन द रोड कहीं पे जाके एकदम से आपने ये नहीं होना कि नहीं अब मैं अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू नहीं, बस फिर ठीक क्योंकि फिर ना मसले हो जाते फिर मजा नहीं आता ना फिर फिर मसला पड़े भा... वो और मतलब काफी पता आपको फ़्त... पता ही आप हाँ? आप पता है आपको पता ही है हम आपको क्या बताएं कि कौन से मसले होते हैं नजर आ तो है आपको वैसे मुझे ना ये बात भी कहनी थी कि जिस दिन आप अगर वैसे तो अगर रात तक की अपॉइंटमेंट ऑफिशियल चार्ज जब आप आर्मी चीफ को देंगे ना जो भी बन रहे हैं जो भी आगे आ रहे हैं उस दिन हमें छुट्टी देनी चाहिए इट शुड बी अ नेशनल हॉलीडे की अपॉइंटमेंट हुई ताकि सारे जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं सही तरीके से वो सड़कों पर निकलें आर्मी के हक में नारे लगाएं कोई पिंडी जाके जीएचक्यू के, जी एच के सामने जिंदाबाद कहना चाहते हैं तो आप करें आप ये नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करें और जिसने गम गलत करना है वो वो कर ले क्या मतलब जिसको दुख जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. जो भी आप इजहार करना चाहते हैं मेरे ख्याल से वो छुट्टी दे देने क्योंकि इतनी फेस्टिविटी है ना इस किसी को होश ही नहीं है किसी आप लोगों को तो ये होश नहीं है कि अली वापस आ गए टीम के अंदर उस बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे तुम ना करें तुम चुछु। चुछु। ना, ना। बाद ने। तो आ, आप लोगों से तो ये नहीं उस पे नहीं नहीं है कोई रिएक्शन इतनी आप लोगों को अपनी पड़ी दिन रात सुबह शाम बस ये आज आज किस्सा ना अगे, हमारे पास खबरें जमा हो पा रही थी एनी anyway, वे कुछ कहना चाहेंगे मैंने इस पर कर दिया। ये कि वो ने एक स्टोरी कर दी है और उसमें हैं एफ बी आर से जी So अब फिर वो फिर वही बात है कि एफ बी आर अगर टैक्स लीक कर रहे है तो <laughs> तो, तो आपको पता ही है हाँ, लीक तो कर कर so मसला फिर वही है कि so अब तो डार साहब ने लिया है चेजा

फिर वही बात है हम खिलाफ हैं हर किसी की सैंप्लरशिप के अगर वो गलत है तो आप तर्दीद कर दें अगर ठीक है तो इसको चलता रहने दें और गलत भी है तो चलता रहने दें नहीं भाई आप क्यों बात पाते क्यों करने लग जाते हैं आगे कुछ नहीं है देखने को और पढ़ने को लाने हां हाँ, बाकी ये है कि ये एमन नूरानी ने पहले आसिम सलीम बाजवा साहब की स्टोरी की अब उन्होंने कमर बाजवा साहब की कर दी है

मुश्किल हो, मुश्किल हो है है लेकिन मुझे नहीं, नहीं, नहीं तो, तो, अच्छा, है, है, सासे की जो वो आई है मतलब आर के जो सारी है तो उसमें मतलब चौदह अरब रुपए के जो सासी है वो तो डिक्लेयर्ड है सो लिजेट मनी

ले जटी है तो ठीक है जिस भी तरीके से आए बस आ गए अगर डिक्लेअर भी है मतलब वही है ना कि वो हाँ। सुभहरल ये हम तो खैर आपको रिपोर्ट ही कर रहे हैं हमें तो पता नहीं नहीं हमें कोई नहीं पता अल्लाह ना करे हम अल्लाह ना करे हमें कुछ पता भी लगे इधर तक ही ठीक है हां साची एक वो है खबर के इमरान खान साहब ने बयान दिया कि जो सारे प्लानिंग कर रहे हैं वो मुझे पता है और 26 को मैंने देना सरप्राइज तो बेबी पहले कुछ थोड़ा सा तो हिंट दिया करो ना ये जो इतनी लंबी लंबी डेटलाइन्स है ना मेरे से नहीं हो रही नहीं वैसे तो आज 21 हो गई है तो 26 आई खड़ी है अच्छा हाँ लेकिन आ? मैं उस उसपे वो सोच रहा था कि कितना मजा है कि सरप्राइज हो कि इस दफा कज़न टीएलपी एलपी ज्वाइन कर ले धरना माय गुडनेस पिछली दफा जितना था ना कि तारू कादिर साहब कजन थे इस हाँ। साद रिजवी साहब कजन यार ये वाले ऐसे करके साद रिजवी वाले का जो है ना वो बहुत तगड़े हैं यार तो वो बस हम जो है ना एक्साइटेड हैं हाँ। इमरान खान साहब जो हैं वो सरप्राइज देना चाह रहे हैं अब वो ट्वेंटी सिक्स तक उनका चला गया है जलसा और मैं यही सोच रही थी कि इमरान खान ना पॉलिटिक्स के यहाँ पे देवदास ही बनते जा रहे हैं पहले उनसे साइफर के पहले उनसे कहा कि जी तुम अपनी पावर छोड़ो पावर छोड़ दी सीट छोड़ दी फिर साइफर वाला जो मामला हुआ फिर उसका भी उन्होंने कहा वो भी वापस लो ठीक है फिर उनसे ये कहा गया कि

इस बात बात पे सपोर्ट है कि मियां सर मेरी हाँ। सुने जिनको ये कहते ना कि सारे सपोर्टर्स ऐप है वो जिस दिन उनको मियां साहब को कह देंगे क्यूट है वो सारे कहेंगे हाँ। वो जो जो इमरान खान कह देते हैं वो उसके बाद दोबारा उसको कंफर्म भी नहीं करना चाहते इमरान ने कह दिया बस खत्म हमारे कप्तान ने कह दिया सो सुदैत सिंह जलसे मुझे याद आया कि वहां की पुलिस ने जो है वो बहुत ज्यादा एहतजाज किया कि हमें रोज दाल चौल दो रोज दाल चौल खिलाए जा रहे थे तो अब उनका जो है एहत ले उनका भी ऐतजाज रंग नहीं इमरान खान का टाइम कब आना है तो उनके खाने के अंदर चिकन जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है और जो उनका नाश्ता है ना उसके अंदर चने और पराठे इंक्लूड कर दिए गए हैं पुलिस जो है ये बहुत जरूरी था मतलब वो बेचारे कब से बैठे हुए हैं कि जी होना है होना है होना है होना है उठे आप ही एटलीस्ट आप उनको खाना

मैं तो खाली हो जाए नहीं, नहीं पराठे के बाद तो मतलब इतने <laughs> आप तो तो भी दो, दो आ, को तो तो लेकिन <coughs> आज जो है न बहुत बड़ा दिन इसलिए नहीं है की हमारी दो एपिसोड नहीं, है वो तो आज है। बहुत बड़ा दिन इसलिए है की मुनीब अंसारी की सालगिरह और रिदा आरिफ जो की उनकी वाइफ है वो सेलिब्रेट कर रही है सालगिरह और मुनीब अंसारी के साथ हुआ है हैंड ये किस के साथ के रहे है? क्या हुआ है मुनीब पैसे खर्च के ऑस्ट्रेलिया गया पाकिस्तान का फाइनल देखने और पाकिस्तान मैच भी हार गया ऊपर से ये कोविड सॉरी oh, हाँ। so तो मुनीब है 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 आपने घबराना नहीं है अगला वर्ल्ड कप अमेरिका में है और हाँ। आप अगर मेरे टिकट्स वगैरह का बंदोबस्त कर दें

तुम माय तो ये रंग है तुम से ही है करार तुम लाए ये नजारे तो बजे है दिल के तार नहीं तो रुक जाती ठहर जाती कभी ना आती ये बहार तुम आए तो ये रंग है तुमसे ही है करा तो हैप्पी बर्थडे मुनीब अंसारी <laughs> कोई बात नहीं आप आइसोलेशन में बर्थडे कर रहे हैं अपनी तो कोई बात नहीं ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस ही है, हाँ, 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 हाँ। अब तो है अब तो बस आप ठीक होने वाले हैं ठीक है तो बस निकाल लें अगले वर्ल्ड कप का स्केड्यूल और वीजा अभी तेन ऐसे तो हाँ। चैन नहीं है तू इट फॉर टूडे अब हम आप अपनी दो सो टू हंड्रेड वन सही इससे ये तो नहीं लग रहा है कि हम बूढ़े हो रहे हैं यहाँ हम एक दूसरे से आवाजार तो जरूर हो गए हमें बूढ़े का मुझे पता नहीं है नहीं बूढ़े भी वैसे हैं ऑफ कोर्स है हमारी लेकिन ये पांच एपिसोड किए हाँ तो ये तो अभी बस तीन महीने तीन महीने मुझे ऐसे लग रहा है जो है वो फंसी हुई हूँ बट आप प्लीज हमारे लिए दुआ करें कि हमारी बेजारी थोड़ी सी और ये सर्दियाँ आई है तो मैंने जो है पजामे निकाल लिए तो ये कि होपफुली आप लोगों ने अब सर्दियों के कपड़े निकाल लिए होंगे आ, जेब में कभी भी अगर आपको महसूस हो कि कुछ हो है तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है वो पैसे नहीं होंगे वो मास्क होगा कोविड की वजह से हाँ, exactly. तो इसलिए आप लोगों ने प्लीज ये याद रखना इसके बाद जो एपिसोड है उसको इग्नोर करके जो अब हम लोग बाद में देंगे ना आपको वेनेसडे को कि ये इस पजामे से निकला होगा कि नहीं निकला होगा वी आर गोइंग टू ट्रैक इस पजामा वी आर गोइंग टू डेवेलप दिस ट्रेल ठीक है लास्ट ईयर हमने एक इस पजामे से निकलवाया था आपको अब हम इस साल आप फिर से टैब्स रखेंगे और वो तो था भी स्किन टाइट ना <laughs> इतना गंदा मुझा मतलब ना पहनना प्लीज मैं सोच रहा हूँ दो एपिसोड है तो दीदार करवा दो <laughs> शुरू करें। आपको नंगा। अल...